हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेजिटेबल पकौड़े। तो ये सामान हमारे घर में ही पड़ा हुआ था, तो हमने ये आलू, बैंगन और फ्लावर के पकौड़े बनाने हैं। तो सबसे पहले इसे हमने कट कर लेना है, बैंगन और आलू के पतले पतले स्लाइस कर लेने हैं। अब इसमें हमने नमक डाल देना है, मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इसमें धनिया डाल दें। सब्जी बना रहे हैं और इसे हल्के हाथों से अच्छे से इसे मिक्स कर लें। फ्रेंड्स, इसे हमने 15 से 20 मिनट इसे मैरिनेट होने देना है। तब तक हमने यहाँ पर बेसन तैयार कर लिया है। बेसन में हमने सूखा धनिया, लहसुन अदरक पेस्ट और नमक मिर्च डाला है, एक चुटकी मीठा सोडा डाला है, बेकिंग पाउडर और एक चम्मच गरम ऑयल मिलाया है और इसे अच्छे से फेंट लिया है। तब तक हमारे ये मैरिनेट हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। अब इस बेसन में इसे डुबोकर आप इसे ऑयल में फ्राई कर लें। फ्रेंड्स, आप सबको पता ही है बारिश हो रही है, तो बारिश के मौसम में तो ये सब पकौड़े वगैरह ही अच्छे लगते हैं। इसे अच्छे से इसे फ्राई कर लेना है। अब इसे ऑयल से निकाल लें। तो ये हमारे पकौड़े बन चुके हैं। तो जो बच गए उसे भी ऐसे ही तल लें। तो फ्रेंड्स, हमारे मज़ेदार पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। मुझे पता है आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, झटपट बना डालिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।